कहते हैं कि कश्मीर आना चाहिए, कश्मीर जाने थे बेने, और क्या कहना चाहते हैं आप बाकी लोगों से जो आना चाहते हैं? यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, जो कैसे बाकी लोग जैसे बोलते यहाँ पे बहुत डेंजरस एरिया है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हम भी यही सोच रहे थे, पर यहाँ पे आने के बाद हमने बहुत सेफ फील किया। यहाँ के लोग तो बहुत स्वीट है, मतलब वो मतलब हेल्पफुल भी बहुत है, तो यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा और सेफ फील हुआ। तो यहाँ जाके जब आप यहाँ से जाएंगे वापस महाराष्ट्र, मुझे यही बोलना है कि बाहर फॉरेन कंट्री में घूमने के अलावा आप मतलब भारत में यहाँ पे घूमो, जैसे स्विट्जरलैंड जाके इतने पैसे आप वेस्ट करते हो सब, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे घूमिए। किसी की ख्वाहिश रहती है बर्फ मतलब कैसे गिरता है वो देखने का, हाँ स्नोफॉल देखने का। अगर डिफरेंट बात करेंगे, सभी कहते हैं कि कश्मीर आना चाहिए, कश्मीर जाने थे बेनजीर, और क्या कहना चाहते हैं आप बाकी लोगों से जो आना चाहते हैं? यहाँ पे डरना नहीं चाहिए, जो कैसे बाकी लोग जैसे बोलते यहाँ पे बहुत डेंजरस एरिया है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, हम भी यही सोच रहे थे, पर यहाँ पे आने के बाद हमने बहुत सेफ फील किया। यहाँ के लोग तो बहुत स्वीट है, मतलब वो मतलब हेल्पफुल भी बहुत है, तो यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा और सेफ फील हुआ। तो यहाँ जाके जब आप यहाँ से जाएंगे वापस महाराष्ट्र, मुझे यही बोलना है कि बाहर फॉरेन कंट्री में घूमने के अलावा आप मतलब भारत में यहाँ पे घूमो, जैसे स्विट्जरलैंड जाके इतने पैसे आप वेस्ट करते हो सब, तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे घूमिए, वही उससे ज़्यादा अच्छा इधर मिलेगा, अपने लोग है, सभी अच्छा और सेफ है। क्लाइमेट और नेचर सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम कहीं भी और घूमने को जाते थे तो थोड़ा बहुत मौसम से एलर्जी, क्लाइमेट चेंज करके थोड़ी बहुत तकलीफ होने की, पर यहाँ पे आके जो फील थोड़ा बहुत पहले था वो भी पूरा रिलैक्स लगा, मतलब मेंटली रिलैक्स लगता है, नेचर उतना मस्त है, प्लस यहाँ का सब कुछ क्लाइमेट वो सब हेल्थ के लिए अच्छा लगता है। पूरे इसमें नेचर सबसे भारी देखना है तो यहाँ आना चाहिए कश्मीर में, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे भारी नेचर होगा तो कश्मीर का। हम महाराष्ट्र में इंडिया में बहुत घूमे, केरल तमिलनाडु वो सब, पर सबसे भारी नेचर और क्लाइमेट फील यहाँ पे बहुत अच्छा है, और मतलब नेचुरल है, एयर में भी ये नेचर इतना ज़्यादा है कि पॉल्यूशन बहुत कम लग रहा है यहाँ पे। मौसम बिल्कुल यहाँ पे ठंडा, खासकर सहायती मकाम गुलमर्ग या टंगमर्ग की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा जो टूरिस्ट वो कोशिश करते हैं सर्द इलाके में आने की, क्योंकि जो बाहर गर्मी है उससे बचने के लिए वो इस तरह के, यहाँ पे हमने देखा कई तरह के कई स्टेटों से जो टूरिस्ट आते हैं, तो इस यहाँ पे टूरिज्म आने से, तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर हम सब रीजन गुलमर्ग इलाके की बात करें, कम से कम 25,000 लोग यूथ जो है अपनी रोजी रोटी से टूरिज्म से कमाते हैं, तो यहाँ के लोग, हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए ताकि यहाँ पे जो अपनी रोजी रोटी लोग जो कमाते हैं उनके रोज़गार में इजाफा मिले। अगर तालमेल की बात करेंगे तो टूरिस्ट और ये जो हमारे गाइड एसोसिएशन है या गाइड जो होते हैं जो उनको सर्व करते हैं तो क्या रहता है? देखिए अभिषेक साहब, आपने सही कहा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि टंगमर्ग की अगर बात करें तो जैसे हमने कई बार खबरों में देखा है कि यहाँ पे तालमेल टूरिस्ट और जो गाइड्स है स्लेज वाला है उनका हमेशा तालमेल रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तालमेल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो रोजी रोटी जो लोग कमाते हैं वो टूरिज्म से ही कमाते हैं। तो कहीं ऐसी भी खबरें मिली हैं, कहीं अगर किसी का कोई भी चीज़ गिर जाता है यहाँ पे, चाहे वो उसमें पैसा हो, सोना हो या कुछ भी, लेकिन यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगा वादी कश्मीर में अभी वो जो अपनापन है या भाईचारा है वो अभी भी जिंदा है, और लगातार कई जगहों से ये ऐसी खबरें भी मिलती हैं। तो कई बार हादसे में यहाँ के मुस्लिमों ने, चाहे उन्होंने मुस्लिम समझकर नहीं बल्कि एक इंसान समझकर यहाँ पे ब्लड दिया है, चाहे वो बाहर का टूरिस्ट हो, इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता चलूँ यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आना चाहता है उनके लिए मेरी तरफ से यही मैसेज है कि वो यहाँ पे सेफ ही नहीं है बल्कि अपने फैमिली की तरह यहाँ के गाइड्स या स्लेज वाला जो भी यहाँ पे अपने रोजी रोटी कमाते हैं
उनको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। फिर से बर्फबारी हुई है गुलमर्ग में, और गुलमर्ग में बर्फबारी होने के साथ साथ यहाँ के जो लोकल टूरिस्ट है या जो फॉरेन टूरिस्ट है वो अच्छी मना रहे थे और ये कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत हमें मजा आया है। और हमने बहुत सारे टूरिस्ट से बात की और लोकल से भी बात की, टूरिस्टों ने ये कहा कि यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि जन्नत जन्नत बेनज़ीर अगर देखना होगा वो कश्मीर ही है। और उसके साथ साथ हमने कुछ लोकल से यहाँ पे बात की, लोकल ने भी बिल्कुल ये कहा कि शाना बशाना उनके साथ साथ हैं, अगर कोई भी परेशानी होगी टूरिस्टों को तो हम यहाँ पे तैयार हैं और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्टों का ज़्यादा फ्लो हो और हमें भी खिदमत करने का मौका मिले। सईद मुश्ताक, एनएन न्यूज़, गुलमर्ग।